इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि दुर्ग से सामने आ रही है। उतई पाटन रोड पर चला बीएसपी का बुलडोजर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग से उतई पाटन रोड पर बीएसपी का बुलडोजर चला है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे को ध्वस्त किया है निगम ने। छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से किया जा रहा था संचालित। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बदमाश के खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज हैं। बीएसपी इन्फोर्समेंट की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे को ध्वस्त किया जा रहा है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उतई पाटन रोड पर चला बीएसपी का बुलडोजर। बदमाश पिंकी राय के ढाबे को किया गया ध्वस्त। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, उतई पाटन रोड के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर चला है, बदमाश के खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? अगर हम दुर्ग पुलिस के बारे में बात करें तो लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है और उन्हें जेल के सीखचों के पीछे भी भेजते आ रही है, जो इस तरह की वारदातों को, जघन्य वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी कड़ी में जहां पिछले दिनों ग्लोब चौक में गोलीकांड हुआ था, उस कांड में जो शामिल थे आरोपी, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र के तोड़ू दस्ते और दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई। अब उसके बाद एक पिंकी राय नाम का भी एक ऐसा कुख्यात अपराधी है जिसके नाम से ढेरों मामले नवई थाने के साथ साथ दुर्ग जिले के अन्य थानों में भी दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी उसमें किसी भी तरह के सुधार नहीं दिखी, तो जिला बदर किए जाने को भी लेकर प्रक्रियाधीन है। इसके बाद अगर आप बात करें, जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, यह वही छत्तीसगढ़ ढाबा है जो कि पिंकी राय और उसके साथियों द्वारा संचालित किया जाता था और अक्सर यहां पर बैठकर शराबखोरी भी की जाती थी और यहीं पर इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते थे कि कहां पर किस तरह के वारदातों को अंजाम देना है। हालांकि उसे कॉलोनाइजर भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी डीलर भी कहा जाता है, चंद कुछ मकानों को ठेकेदारी भी वह करता था, लेकिन साथ ही ऐसे भी वारदातों में शामिल रहा है जहां पर वसूली, मारपीट और दादागिरी जैसी रंगदारी दिखाने वाले मामले दर्ज हैं। अब जब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को दुर्ग पुलिस के द्वारा यह खुली अनुमति मिली कि जिस भी तरह के किन्हीं भी तरह के आरोपी और अपराधी इस भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में अगर है और उनके ठिकाने हैं जो कि अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, तो उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। यह उसी आदेश और उसी अनुमति का यह परिणाम है जहां पर देख रहे हैं कि लगातार एक जेसीबी एक पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने में लगा हुआ है और पिछले कई मिनटों से यह कार्रवाई चल रही है। जी जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।